तो आईसीसी सिक्स का मैच नंबर 87 होने जा रहा है, मुंबई सिटी एफसी वर्सेस चेन्नई एफसी। मैच होगा मुंबई सिटी एफसी के होम ग्राउंड मुंबई फुटबॉल एरिना पर। शाम 7:30 बजे से मैच स्टार्ट हो जाएगा। आप अगर चाहो तो उस मैच को ऑनलाइन हॉटस्टार पर देख सकते हो, टीवी में आपको स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क फॉलो करना पड़ेगा। तो ये जो मैच होने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच होगा, क्योंकि मुंबई सिटी एफसी और चेन्नई एफसी दोनों के पास ही सेमीफाइनल में जाने का मौका है, लेकिन सेमीफाइनल में सिर्फ एक स्पॉट बचा हुआ है और स्पॉट को लेने के लिए दोनों ही लड़ाई करेगा इस मैच पे। और यहाँ पर अगर कोई टीम हार जाता है तो उनके लिए सिचुएशन बहुत ही खराब हो सकता है। अगर चेन्नई एफसी यहाँ पर जीत लेता है तो उनके लिए अच्छा रहेगा, अगर मुंबई सिटी एफसी यहाँ पर जीत लेता है तो एकदम पक्का हो जाएगा उनका क्वालिफिकेशन राउंड में जगह। तो चलिए अब हम देख लेते हैं दोनों टीमों का क्या हेड टू हेड रहा है अभी तक। तो टोटल 11 मैच खेला है और यहाँ पर 4 पर जीत हासिल किया है मुंबई सिटी एफसी, 5 पर जीत हासिल किया है चेन्नई एफसी, 2 मैच ड्रॉ हुआ है और 8 गोल लगाया है मुंबई सिटी एफसी ने, 15 गोल लगाया है चेन्नई एफसी ने। तो इस हेड टू हेड मामले को देखकर हमें लग रहा है कि चेन्नई एफसी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत बेहतर है मुंबई सिटी एफसी के तुलना में, लेकिन इस मैच पे कुछ भी हो सकता है उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं टीम अपडेट के बारे में। मुंबई सिटी एफसी का अगर पहले बात किया जाए तो मुंबई सिटी एफसी इस मैच पे जीत हासिल करना ही चाहेगा, उनके लिए ये मैच एकदम डू और डाई सिचुएशन है अगर वो सेमीफाइनल में जाना चाहता है तो। एक ही स्पॉट बचा हुआ है, मुंबई सिटी एफसी इस मैच पे अगर जीत लेता है तो उनका स्पॉट पक्का हो जाएगा सेमीफाइनल के लिए, लेकिन अगर मैच हार जाता है तो उनका पत्ता कट जाएगा। ड्रॉ अगर होता है तो थोड़ा बहुत चांस बचा रहेगा, लेकिन वो भी दूसरे के ऊपर उनको निर्भर करना पड़ेगा, चेन्नई एफसी के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा और ओडिशा एफसी के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा कि वो भी पॉइंट गवा दे। तो मुंबई सिटी एफसी के लिए रास्ता एकदम क्लियर है कि जीत हासिल कर लो और अपना स्पॉट पक्का कर लो। मुंबई सिटी एफसी अपने लास्ट 3 होम मैचों में 100% विनिंग रिकॉर्ड रखा है, यानी कि लास्ट 3 मैच पे इन्होंने अपने होम ग्राउंड पर हारा नहीं है। बेंगलुरु एफसी को भी हरा दिया है इन्होंने अपने होम ग्राउंड पर, और इसीलिए थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है चेन्नई एफसी के लिए इस मैच पे। मुंबई सिटी एफसी के लिए बहुत ही ज़्यादा एडवांटेज है। इनका जो मेन चीज़ है अपने परफॉर्मेंस में वो है दोस्तों फ्लैंक से ये जो क्रिएट करता है चांस, वो बहुत ही खतरनाक होता है हर टीम के लिए। त्यागो कार्लोस बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म से गुजर रहा है, उसके बाद चेरमिति भी कमबैक करेगा लास्ट मैच पे, वो सस्पेंड में था और इसीलिए नहीं खेला। मोदू सोगो भी फॉर्म में दिख रहा है, तो थोड़ा बहुत डिफिकल्टी हो सकता है चेन्नई एफसी के लिए और मुंबई सिटी एफसी इस मैच पे साइन कर सकता है अपने होम ग्राउंड पर। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चेन्नई एफसी के लिए तो चेन्नई एफसी का भी सिचुएशन कुछ एक जैसा ही है मुंबई सिटी एफसी की तरह, क्योंकि इनको भी इस मैच पे जीत हासिल करना ही पड़ेगा। अगर यहां पर चेन्नई एफसी हार जाता है तो कोई चांस उनके पास बचा नहीं रहेगा, मुंबई सिटी एफसी का स्पॉट पक्का हो जाएगा। लेकिन चेन्नई एफसी अगर ड्रॉ भी कर लेता है तो थोड़ा बहुत चांस रहेगा, लेकिन बहुत ही नाजुक सिचुएशन में चला जाएगा चेन्नई एफसी अगर ड्रॉ होता है तो। हार जाता है तो कोई बात नहीं है, कोई चांस नहीं रहेगा। तो चेन्नई एफसी भी इस मैच पे अपना फुल परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा, वो भी 3 पॉइंट लेने की ताक में रहेगा। तो अभी तक अगर चेन्नई एफसी का परफॉर्मेंस देखा जाए तो बहुत ही बेहतर रहा है। लास्ट 6 मैचों में इन्होंने 5-5 जीत हासिल किया है, यानी कि 15 पॉइंट हासिल किया है इन्होंने, और एटीके को भी हराया है एटीके के होम ग्राउंड पर जाकर, जो कि बहुत ही खतरनाक टीम है इस सीजन में, उनको भी तहस नहस कर दिया है उनको होम ग्राउंड जाकर। तो चेन्नई एफसी के लिए एक बहुत ही बड़ा अच्छा सिचुएशन है, अभी उनका पूरा टीम फॉर्म से गुजर रहा है और उसी फॉर्म को उनको काम में लाना पड़ेगा इस मैच पे। सिर्फ एक ही कॉन्सर्न वाली बात है कि मुंबई फुटबॉल एरिना पर मुंबई सिटी एफसी को एक बार भी चेन्नई एफसी ने नहीं हराया है, वो एक बहुत ही बड़ा दिक्कत है चेन्नई एफसी के लिए। लेकिन अभी इस वक्त जिस फॉर्म से गुजर रहा है चेन्नई एफसी, वो कर सकता है, उनके होम ग्राउंड पर जाकर मुंबई सिटी एफसी को भी हरा सकता है। नील जसवाल किस, उसके बाद रफाल क्रिवल्लरो, चंगटे, उसके बाद से चिंबरी, जिस तरह से खेल रहा है वो बहुत ही काबिले तारीफ परफॉर्मेंस दे रहा है और मुझे लग रहा है कि इस मैच पे कुछ कर दिखाएगा चेन्नई एफसी। चलिए अब हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं दोनों टीमों का प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। सबसे पहले मुंबई सिटी एफसी की अगर बात किया जाए तो इनका गोलकीपर रहेगा अमरिंदर, उसके बाद होगा सुभाषिस, माटो, प्रतीक, रफीक, राउलिन बॉर्जेस, विद्यानंद, मधु शोगु, मोहम्मद लारबी, डियागो कार्लोस और शर्मिति। नेक्स्ट अगर चेन्नई एफसी की बात किया जाए तो इनका गोलकीपर रहेगा विशाल काई, तो उसके बाद रहेगा जेरी, लुसियन गोयन, एली सबिया, लालदीन लियाना, उसके बाद अनिरुद्ध थापा, एडविन वेंसपॉल, छंगटे, क्रिवल्लरो, सिम्बरी और नीजस वाल्किस। तो ये रहा मेरी तरफ से दोनों टीमों का प्रिडिक्टेड प्लेइंग 11 इस मैच के लिए। आप लोग क्या सोच रखते हो प्लेइंग 11 के बारे में कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिए। और अगर विनिंग चांसेस की बात किया जाए तो इस मैच पे मैं जा रहा हूँ चेन्नई एफसी के साथ। चेन्नई एफसी का जीतने का चांस रहेगा 60%, मुंबई सिटी एफसी का चांस रहेगा 40%। विनिंग चांसेस के बारे में आपका क्या ख्याल है वो भी कमेंट जरूर कीजिए।
फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतने ही। आपको बहुत बहुत शुक्रिया टाइम निकल के इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिए, अपने दोस्तों से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इस तरह की इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चले। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको फटाफट नोटिफिकेशन मिल जाए।